अचार खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। कुछ लोग खाने के फीकेपन को दूर करने के लिए खाने के साथ अचार खाना प्रेफर करते हैं। अचार की वैरायटी की बात करें तो नींबू का अचार खाने को चटपटा बनाने के साथ पेट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके खाने को डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प भी करता है। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ नींबू के अचार की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही कम सामान के साथ हम घर पर इसे बनाएंगे एंड ये हमारे पेट के लिए भी काफी फायदेमंद है, टेस्टी भी एंड हेल्दी भी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नींबू लिए हैं, ये फ्रेश ताजा नींबू है। इसको सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हम इसे एक कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ के इसका सारा पानी सुखा देंगे। उसके बाद हम इसके लिए फटाफट से मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने ली हुई है अजवाइन। यहाँ पे हम मसाले में अजवाइन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया था एंड यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। लगातार चलाते हुए अजवाइन को 3 से 4 मिनट के लिए भुनेंगे जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू नहीं आने लगती है। ध्यान रहे हमें अजवाइन को ज्यादा नहीं भूनना है, 3 से 4 मिनट इसे लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। इससे जो है अजवाइन में इसमें काफी सोंधापन आ जाता है एंड ये अचार में काफी टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि अजवाइन हमारे पेट के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो नींबू के अचार में हम अजवाइन डाल के ही अचार को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी अजवाइन अच्छी तरीके से भून चुकी है, तो अब इसे फटाफट से हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ एंड यहाँ पे हमने अजवाइन को बाहर निकाल लिया है एंड इसे हमने ठंडा भी कर लिया है। जब भी एकदम से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के अच्छे तरीके से इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ब्लेंडिंग जार। एक साथ हम सारी अजवाइन को नहीं पीसेंगे, 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें इसका दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए एक बार मैं इसे आपको पीस के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी अजवाइन पीस गई है, देख सकते हैं। इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करना है। अजवाइन को हम निकाल लेते हैं दूसरे बोल में एंड चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। बाकी जो बचा हुआ अजवाइन था उसे भी हमने यहाँ पे सेम प्रोसेस से पीस के तैयार कर लिया है। अजवाइन के साथ हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं काला नमक एंड शक्कर। यहाँ पे हमारे जो नींबू है वो भी अच्छे तरीके से साफ हो गए हैं। नींबू अचार बनाने के लिए बिल्कुल से रेडी है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े साइज वाले नींबू नहीं लिए हैं, नॉर्मली जो अचार के लिए नींबू आते हैं वही नींबू को मैंने इस्तेमाल किया है। मीडियम साइज में सारे नींबू को मैंने रखा हुआ है। चलिए फटाफट से हम मसाला रेडी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मसाले के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला है अजवाइन का पाउडर, दूसरा है यहाँ पे काला नमक। इसे ही मैंने घर पे ही बनाकर तैयार किया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने सेम क्वांटिटी में लिया है नमक एंड सेम क्वांटिटी में हमें ले लेना है शक्कर। यहाँ पे ध्यान रहे हमने शक्कर, नमक, अजवाइन एंड काले नमक की क्वांटिटी को एक बराबर ही रखा है। शक्कर आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शक्कर को अचार के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ऐड किया है, क्योंकि जो नींबू है वो ज्यादा खट्टा होता है एंड नमक वगैरह डालने से और भी खट्टा हो जाता है। इसलिए आप शक्कर को अपने अनुसार ऐड कर लें ताकि जो अचार है उसका टेस्ट अच्छी तरीके से बैलेंस हो पाए। तो यहाँ पे हम सारे मसाले को अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। इसमें एक भी बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो मसाले का पाउडर है बनके एकदम से तैयार है। आप इस तरीके से नींबू के अचार के मसालों को बनाकर रख भी सकते हैं। जब आपको नींबू मिले आप फटाफट से नींबू को काटिए एंड इस मसाले को भर कर रख दीजिए। यह रेसिपी बहुत ही आसान है एंड यह अचार भी बहुत टेस्टी बनता है। मसाला हमारा रेडी है, चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे हमने नींबू को देख सकते हैं किस तरीके से काटा है। यहाँ पे मम्मी ने नींबू को बीच से काट लिया है। यहाँ पे हमें नींबू की कलियों को अलग नहीं करना है, बीच में इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। लेकिन इसे ध्यान रहे नीचे से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से हमें सारे नींबू को काट कर रेडी कर लेना है। नींबू को काटने के बाद इसके बीच में हल्का हल्का फैलाते हुए हमने जो मसाला रेडी किया था उसे अच्छे तरीके से फिल कर देना है। एंड मसाले को फिल करने के बाद हमें इसे एक कंटेनर में रखते जाना है।
देख सकते हैं इसे फैलाते हुए हमें अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर फिल कर देना है। यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हम सारे नींबूओं को अच्छे तरीके से ऐड करते जाएंगे। एक एक करके हम सारे नींबू को इसमें ऐड कर देंगे। ये नींबू के अचार को हमें दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली मसाला भरते जाना है और कंटेनर में इसे रखते जाना है। तो सेम प्रोसेस से हम सारे नींबू को कंटेनर में रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये नींबू का अचार हमारा बन के एकदम से तैयार है। इसे हमें धूप वगैरह रखने में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक महीने तक इसे हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक महीने के बाद जो नींबू है ये सारा पानी अपना रिलीज कर देगा, यानी अचार गलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अचार गलना स्टार्ट होगा इसका कलर एकदम से ब्राउन हो जाएगा, यानी अचार हमारा खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। आप इस तरीके से नींबू का अचार बनाएंगे तो आप इसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल यहाँ तक कि 100 साल तक भी रखेंगे, ये बिल्कुल भी इसका स्वाद खराब नहीं होता है, यानी खाने में टेस्टी भी होता है एंड हेल्दी भी होता है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, रेसिपी आपको काफी पसंद आएगी। थैंक फॉर वॉचिंग।